इजाजत मिली है अदावत करने। अदावत मतलब दुश्मनी। इजाजत मिली है अदावत करने, मोहब्बत से हम गुनहगार होंगे। इजाजत मिली है अदावत करने, मोहब्बत से हम गुनहगार होंगे। कैद होने बातों में उनके, मुजरिम हम गिरफ्तार बार बार। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, इट्स अ नॉन हिंदी स्टेट। माय उड़ीसा भुवनेश्वर। या भुवनेश्वर? या हाँ, गुड। सी, आप दिल तुड़वाने के लिए जगह कोई भी हो सकती है, दिल की बात है। बस बस, कुछ हिंदी में लिखते पंक्ति। हमें अक्सर पूछा जाता है हिंदी उर्दू में क्यों लिखा करते हो, तो लिखते हैं इसी बारे में। कुछ हिंदी में लिखे पंक्ति कुछ उर्दू में नजराने हैं। नजराने मतलब गिफ्ट है। कुछ हिंदी में लिखे पंक्ति कुछ उर्दू में नजराने हैं, जो कहा नहीं कभी तुमसे बस लिखे वही बहाने हैं। लिखा उनको कुछ शाम लेके पर इनमें बीते कई जमाने हैं। जो हमसे कहा ना गया लफ्जों से बस लिखे वही फसाने। अक्सर आपको पता होगा कि कोई भी शायरी से पहले, जैसा भी शायर हो, छोटा मोटा जैसा भी शायर हो, इरशाद कहलाता है। तो इस इरशाद पे हमने कुछ चार लाइन लिखा था, अर्ज किया, धन्यवाद। बेवजह मोहब्बत में शायर ढूंढे सांसों की तलाफी है। तलाफी मतलब कॉम्पेंसेशन। द शायर इज सर्चिंग फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ ईच ऑफ हिज ब्रेथ्स। बेवजह मोहब्बत में शायर ढूंढे सांसों की तलाफी है। जर्रे जर्रे मिट चुके इस कदर, एक इरशाद काफी है। और क्यों हम शायरी लिखते हैं? क्योंकि यहां पर बादल है बहुत, बरसात कम होती है, शोर बहुत है यहां और बात कम होती है। गुजरने को यहां सदियां हैं गुजर जाती, जिनमें हो पाए चंद बातें वो बातें कम होती है। और मैं इंजीनियर रहा काफी साल, जितने साल इंजीनियर रहा लाइफ में और कुछ सीखा ही नहीं मैंने। मैंने इंजीनियरिंग के लिए एंट्री मारी, पढ़ाई बंद कर दी, बिकॉज उसके बाद क्या ही करना होता है। सो उसमें उस टाइम पे ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग के टाइम आप बाकी सब पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, प्यार करते हो, सब करते हो। तो इसी सब के चक्कर में मेरे को रियलाइज हुआ कि there are 7 stages of love, जिसमें आप लिख पाते हो, ठीक है। जब प्यार में होते नहीं लिखते हो, वो तो सारा टाइम आपको अपने अकाउंट्स में जाता है। बट जब प्यार में नहीं होते हो, जब प्यार में गिरने वाला स्टेज होता है, और जब निकल चुके हो, मतलब कट 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 रहा, तो उस टाइम पे आप लिख सकते हो। 7 स्टेजेस ऑफ लव होते हैं। तो मेरे अंदाज में काफी अलग अलग पढ़ा जाए तो काफी डीप शायरी है मेरे लिए, लेकिन मैं कॉमेडी के अंदाज में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार को कभी ऐसे दुख के अंदाज में नहीं देखना चाहिए। हुआ है यार, लेसन तो हो ही सकता है, हो जाता है। प्यार पॉटी और पोएट्री कभी किया नहीं जाता।